हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल DSG होम। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और घर का नक्शा लेके आ गया हूँ। ये है घर का प्लॉट का साइज़ है 9 फीट की चौड़ाई और 30 फीट की लंबाई है। तो दोस्तों, ये एक हमारे व्यूवर ने कमेंट करके पूछा था कि इस साइज़ का हमें घर बनाने के तैयार कर दीजिए और हमें रिक्वायरमेंट है इस तरह के डिज़ाइन की। उनकी रिक्वायरमेंट ग्राउंड फ्लोर के लिए अलग थी, फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग और सेकंड फ्लोर के लिए अलग। मैंने उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए घर का डिज़ाइन तैयार कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगे वीडियो। तो लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये घर के ग्राउंड फ्लोर का 2D व्यू है। 2D व्यू में बता देता हूँ, इसकी जो चौड़ाई है वो 9 फीट तो आपको हर जगह मिलेगी। साथ में इसको बता दूँ इसकी लंबाई 30 फीट को हमने कैसे मैनेज किया है। तो सबसे लास्ट में, घर के सबसे एंड पॉइंट में क्या है कि ये एक रूम बाथरूम है और साइड में वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी है। तो बाथरूम की लंबाई चौड़ाई है 5 फीट की इसकी चौड़ाई है और 3.5 फीट की इसकी लंबाई है। तो दोस्तों, इससे जैसे ही हम बाहर की तरफ आते हैं तो 10x9 का ये रूम होता है। काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, आपके लिए स्टेबल होता है। उसके जैसे ही हम बाहर की तरफ आते हैं 8 फीट विड्थ में एक ये आपको हॉल या कमरा किसी तरह भी डिज़ाइन कर लो, मतलब जो आपको ठीक लगे। ये एक मतलब रूम तो नहीं हो सकता, बट हॉल के लिए हम काफ़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हॉल ये काफ़ी अच्छा दिखेगा, हॉल के लिए आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ दोस्तों, घर के बिल्कुल एंड पॉइंट में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ से हम एंट्री करते हैं, एंट्री के एक साइड में तो स्टेयर्स का एरिया है और दूसरे साइड में हमने किचन का एरिया डिज़ाइन किया। तो किचन का लंबाई चौड़ाई 6.5 फीट, मतलब 6 फीट अप्रोक्सीमेट 6 फीट है। तो और दीवार लगाकर ऐसे हो जाता है, 6 फीट बाई 4.5 फीट की चौड़ाई है इसकी। तो दोस्तों, ये 2D व्यू में कुछ इस तरह दिखाता है। और साइड में जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये स्टेयर्स का पोर्शन बच जाता है। अब मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ, आपको बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, 3D व्यू में कुछ इस तरह का है। जो मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस से जैसे ही घर में स्टार्टिंग होते हैं तो आपकी सीधी की सीधी स्टेयर्स ऊपर चढ़ती हैं। तो सपोज करो कि आपके गेस्ट आते हैं, अगर नीचे आपने आपके लिए जगह अच्छी नहीं है या फिर आप गेस्ट को अंदर बुलाते भी हैं तो उनको पहले से काफ़ी खुला खुला लगेगा, चाहे एंट्रेंस में चाहे आपको थोड़ा सा ऐसा दिखे, पर अंदर आने के बाद आपको जो गेस्ट होंगे या फिर कोई फैमिली मेम्बर होगा तो उनको काफ़ी खुला महसूस होगा। कि मोस्टली ऐसा होता है कि हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बहुत कुछ बना देते हैं, मतलब सब कुछ चीज़ें हम ग्राउंड फ्लोर पर चाहिए होती है, पर लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि नीचे के फ्लोर में हमेशा स्पेस रखो, खुला खुला रखो। तो कि क्योंकि जितने भी गेस्ट आते हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, नीचे ज़्यादा रहते हैं, उनको काफ़ी खुला महसूस होगा तो वो अच्छे से रह पाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर पर प्लॉट का साइज चौड़ाई में कम होने की वजह से फर्स्ट फ्लोर पर हमने ये डिज़ाइन तैयार किया। मैंने आपको डिटेल वाइज सब कुछ बता दिया है, आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम इसकी तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हम फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर का 2D व्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सीधे इसके बाद। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद इसका 2D व्यू। जैसे ही आप यहाँ से एंट्रेंस चढ़ते हैं, ये स्टेयर्स का पोर्शन है, यहाँ से आप ऊपर लेते हैं जैसे एंट्री, तो आपके लेफ्ट में सीधा एक रूम पड़ता है। रूम हमने इसलिए ले लिया है कि अब की बार हमने ये चेंज किया था, फर्स्ट फ्लोर पर स्टेयर्स हमने प्लॉट के अंदर लिए है, क्योंकि ये होता है कि अगर हमने डिवाइड करने हैं रूम, सपोज करो कि जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स के एक पोर्शन में आप दूसरा वाला रूम हो और दूसरे पोर्शन में दूसरे वाला रूम, ताकि इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि एक कमरे में घुसने के बाद अगर मैं आपके लिए फ्रंट में ही सीढ़ियाँ बना देता हूँ तो आपको क्या लगेगा कि आप एक के अंदर कमरे में जा रहे हो, दूसरे कमरे में जाने के लिए फिर दूसरे में घुसना पड़ेगा, मतलब आप सारे एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। लेकिन मैंने ग्राउंड फ्लोर पे स्टेयर्स को सामने की तरफ रखा है और फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स को बीच में रखा है, ताकि यहाँ से आप एंट्री जैसे ही चढ़ते हैं स्टेयर्स में, मैं आपको 3D व्यू में दिखाऊंगा तो समझ में आएगा बिल्कुल आपको। जैसे आप स्टेयर से ऊपर चढ़ते हैं तो ये स्टेयर से दो पार्टीशन होते हैं। लेफ्ट में जो आपको रूम दिख रहा है ये अलग रूम हो सकता है, चाहे किसी लड़के के लिए, किसी फैमिली अलग मेंबर के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, और इस साइड में ये रूम है, इनका अलग हिसाब किताब हो जाता है दोस्तों। तो अब आपको बताया था इसका साइजेज क्या है। साइजेज पीछे वाले जो रूम है, बाथरूम है और गैलरी जो वेंटिलेशन के लिए हमने छोड़ी थी, इन तीनों का साइज सेम नीचे वाला ही है। 10x9 फीट की लंबाई चौड़ाई और 5x3.5 की वो बाथरूम है और बाकी गैलरी है। उसके स्टेयर्स के इस तरफ वाला जो हमने एक रूम बड़ा तैयार किया है तो वो ये है। इसका साइज़ थोड़ा चौड़ाई में काफ़ी कम है, ये खाली यंग बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, उनके लिए काफ़ी ठीक रहेगा, ज़्यादा बड़ी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉयज़ के लिए रूम बहुत ठीक है, एडजस्टमेंट हो सकता है। लंबाई पड़ती है और 6.5 फीट इसकी चौड़ाई पड़ती है। दोस्तों, ये काफ़ी मतलब वाइड तो नहीं है, 6 साढ़े 6 फीट एक लंबे आदमी के लिए बहुत छोटा होता है,
बट लेकिन एक सिंगल बॉयज़ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या फिर आप रेंट के पर्पज़ से, काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों ये आपके लिए, क्योंकि घर की प्लॉट की साइज़ ही 9 फीट है, तो हम क्या कर सकते हैं डस्टबिन के लिए। बट बाकी फिर भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे आप इस कमरे से बाहर की तरफ आते हैं तो आपको बालकनी का व्यू भी मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और डिटेल वाइज आपको अच्छा भी लगेगा घर का। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इसका 2D व्यू से 3D व्यू में जाने का रास्ता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपकी मेन एंट्री यहाँ से होती है, तो मेन एंट्रेंस यहाँ से जो लेफ्ट में जो दरवाज़ा दिख रहा है वो बालकनी वाले रूम के लिए है। ये स्टेयर्स ऊपर की तरफ चढ़ती है। पीछे वाले कमरे की लंबाई चौड़ाई और दिखा चुका हूँ मैं आपके फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे ही दिखा चुका हूँ। तो आप इस कमरे की बात करते हैं, ये चौड़ाई में कुछ इतना ही चौड़ाई दिखाई देगा दोस्तों आपको। ये दोस्तों चौड़ाई में कमरा इस तरह से दिखाई देगा आपके लिए। ये बालकनी का व्यू भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है दोस्तों उसके बाद। तो दोस्तों अब हम सीधे आ गए हैं इसके थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर। सेकंड फ्लोर पे क्या है दोस्तों, स्टेयर्स तो हमने बीच में लगा ही दी हैं, तो इससे ऊपर चढ़ने के लिए हमने स्टेयर्स अभी बनाई नहीं है। आप बना सकते हो इस वाली जगह पे, ये वाइट जो कलर दिख रही है आपको, ये स्टेयर्स के लिए जगह है। जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपके लिए जगह काफ़ी मिल जाती है। तो दोस्तों इसको मैंने काफ़ी अच्छे से डिवाइड कर दिया है दोस्तों। जो आप लेफ्ट में जो रूम देख रहे हैं, ये इसकी रूम की लंबाई चौड़ाई 11-12 फीट के करीब, जो नीचे वाला रूम था उसी के चारों दीवारी के ऊपर बना दिया है। पर इसकी चौड़ाई ना जो पूरी 9 फीट के करीब हो गई, जो प्लॉट का साइज़ है पूरा का पूरा एक्यूरेट। उसके बाद जैसे ही हमने साइड में जो जगह बची थी स्टेयर्स के साथ में, ये हमने बाथरूम के लिए एडजस्ट कर दिया है। 6 फीट बाई 6 फीट की चौड़ाई है, 3.5 फीट की इसकी लंबाई है। तो दोस्तों ये बाथरूम के लिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड दोनों इस कमरे के लिए हो गई है, टॉयलेट और बाथरूम दोनों एडजस्ट कर दिए हैं। तो जैसे और मैं बता देता हूँ आपके, इसके राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे, तीनों पे एक ही साइज़ के रूम हैं और एक ही साइज़ के टॉयलेट बाथरूम और गैलरी है। और गैलरी में ये सबसे छोड़ने का पर्पज़ हमारा यही था कि मेन हमारा वेंटिलेशन के लिए प्रॉब्लम ठीक होती थी। दोस्तों अब मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाने जा रहा हूँ, आपको पूरा घर जो है समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये आप इसको 3D व्यू देख रहे हैं, ये फ्रंट में जो लास्ट का जो फ्लैट जो ऊपर का माला जो हो जाता है, जो सेकंड फ्लोर है, ये चौड़ाई में काफ़ी 9 फीट के करीब दिखाया है और आपको काफ़ी अच्छा भी दिखाई देगा दोस्तों। और ये इसका सेकंड फ्लोर का जो है देख रहे हैं आप, स्टेयर्स के लिए यहाँ पे रास्ता मैंने छोड़ा था स्टेयर्स के लिए जाए। आप अगर ऊपर भी फ्लोर बनाना चाहते हैं यहाँ पे और स्टेयर्स कितनी भी चाहे मंजिल लगा के आप घर बना सकते हैं दोस्तों। और ये पीछे का वेंटिलेशन छोड़ते जाइए, आपको रोशनी नीचे तक मिलती रहेगी दोस्तों। और मैंने आपको घर का डिज़ाइन पूरा कम्प्लीट बना दिया है। तो दोस्तों शायद मेरे हिसाब से मैंने ये अपना बेस्ट डिज़ाइन तैयार किया है, क्योंकि क्या होता है कि छोटे जो चौड़ाई जिसकी कम होती है ना प्लॉट की, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है डिज़ाइन तैयार करना। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि काफ़ी अच्छा बना सकूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, जिन्होंने कमेंट करा स्पेशल उनके लिए, जिन्होंने पूछा था कि कैसा घर बनाना, ऐसा घर बनाना डिज़ाइन के लिए, बट मैंने ये बना के उनके लिए दे दिया है। तो दोस्तों अगर आपको और जिन भी और बाकी सब देख रहे हैं, जिनको अगर घर का डिज़ाइन अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, और हो सके तो शेयर भी कर दो अगर अपने फैमिली मेम्बर में कोई इतना इस साइज़ में घर बनाना चाहता है तो। और किसी भी अन्य रिक्वायरमेंट के लिए हमें कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम अलविदा लेते हैं, थैंक यू, बाय बाय।